एवरीवन, आज हम लोग खुशवंत सिंह का जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसमें उन्होंने अपनी दादी का वर्णन किया है, उसका हाफ पार्ट पढ़ा था और उनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ की दादी की और राइटर की हमें जानने को मिली थी। अब उसके आगे उनकी दादी की क्या क्वालिटीज़ हैं और राइटर का संबंध उनके साथ कैसा रहा है वो बताता है। तो राइटर ने ये भी बताया था कि जब उसके माता पिता शहर में सेटल्ड हो गए थे तो दादी के साथ उसका ज़्यादा साथ स्कूल तक नहीं रह पाता था। तो राइटर जब शहर में रह रहा तो वहाँ पे बताता है, एज़ द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक वो मुझे निरंतर जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं घर वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, टीचर ने मुझे क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश के शब्द सिखाता था, बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और ये बताता था कि मुझे वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती है, एंड लर्निंग विज्ञान के बारे में बताता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताता था, आर्कमिड के सिद्धांत के बारे में बताता था, प्रिंसिपल मैंने सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और इस संसार के चारों ओर की बहुत सी बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नाखुश हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, क्योंकि वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे थॉट एट दिस इंग्लिश स्कूल, जो उन्हें इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो दुखी रहती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें एक दिन मैंने बताया अपनी दादी को कि हमें म्यूजिक का लेसन सिखाया गया है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत परेशान हो गई, टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके अनुसार म्यूजिक का संबंध बहुत लो लोगों से होता है या तुच्छ लोगों से होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स, ये इस पे एकाधिकार होता है, हॉरलॉट्स मैंने वैश्यों का और बेगर्स मैंने भिखारियों का, यानी गीत हॉरलॉट्स और बेगर्स के लिए बने हैं, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, ये सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं बने हैं। तो उस समय गीतों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कॉमन पीपल के लिए। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी बता रही थी कि वो मुझसे असहमत थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसने मुझसे इसके बाद मुश्किल से ही बात की। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, I was given a room of my own, तो मुझे अपना एक कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped, उनके साथ जो मेरा कॉमन लिंक था, सामान्य संबंध था, मित्रता का, वह धीरे धीरे टूट गया, स्टमने टूट गया। My grandmother accepted her seclusion and resignation, मेरी दादी ने अकेलापन, एकांतवास, ये सेक्लूशन मैंने एकांतवास, रेजिनेशन मैंने त्याग, मेरी दादी ने अपना अकेलापन या एकांतवास या त्याग स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, सी मैंने वह रेयरली मैंने मुश्किल से लेफ्ट मैंने छोड़ती थी स्पिनिंग व्हील, मैंने सूत काटने का चरखा, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उगने से लेकर सूर्य के डूबने तक, सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह उसी चरखे के पास बैठी रहती थी, एंड रिसीटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, वो थोड़ा आराम करती थी। सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वो थोड़ा समय निकालती थी टू फीड द स्पैरोज, गौरैया के दाने खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द बरांडा, जब वो बरामडे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड, सैकड़ों चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेड लैम ऑफ चिरपिंग्स, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेड लैम, बेड लैम मैंने हंगामा करती थी, वेरिटेबल मैंने विभिन्न प्रकार की चिरपिंग मैंने चहचहाने का, फिर वो विभिन्न प्रकार से चहचहाने का हंगामा करती थी। सी सम केम एंड पर्स्ड ऑन लेग, कुछ आती थी उनके पैरों पर बैठ जाती थी,
अदर सन शोल्डर कुछ उनके कंधों पर आकर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ चिड़िया आकर उनके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, मुस्कुराती थी, बट नेवर सूट देम अवे, लेकिन उनको कोई सू करके उड़ाती नहीं थी। सू माने छी करके या ही करके उड़ाना। इट यूज़ टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए जो आधा घंटा होता था ऐसा दिन का सबसे सुखद टाइम होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure, मैं निश्चित था, my grandmother would be upset, मेरी दादी बहुत परेशान होंगी, I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था, and at her age one could never tell, और उस उम्र में कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मुझे जीवित वापस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, but my grandmother could, लेकिन मेरी माँ दादी ऐसा नहीं सोचती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो सेंटिमेंटल या भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की और ना ही कोई भावनाएं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठों पर प्रार्थना चल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, उनकी उंगलियाँ माले का जाप कर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुप धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैंने उनको छोड़ा, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, मेरे पास एक निशानी बची थी वो नमी की जो उन्होंने चूमने के कारण थी। एज पर हेव द लाइट साइन, यही मेरा अंतिम निशान था अब फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, जब हमारा एक दूसरे का शारीरिक संपर्क हुआ था, यानी राइटर की दादी ने जब उसे चूमा था तो वो जो प्रिंट नमी का बन गया था वही राइटर के पास एक उनकी फिजिकल निशानी थी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि वो मरी नहीं। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट माई हर एट द स्टेशन, वो मुझसे स्टेशन पर मिलने आई। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो मुझसे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास इसके लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन माई आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आई कुड हियर हर रिसीटिंग हर प्रेयर्स, मैं उस समय उनको प्रेयर करते हुए सुन रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, उनका सुखद क्षण गौरैयों के साथ बीतता था। होम सी फिड नो लॉन्गर विद द फ्रेवलेस रिब्यूक्स, जिन्हें वो खिलाती थी लंबे समय तक, एंड विद फ्रेवलेस रिब्यूक्स, और हल्के पंसे उनको डांटती भी थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनके दिनचर्या में परिवर्तन आ चुका था। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबर्ड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक सी थम्ड द सैगिंग, सी मने वह थम्ड मने पीटती रही, द सैगिंग मने झोलदार स्किन्स, मने तो खाल को, आप डिलीपेटेड ड्रम, एक पुराने ढोलक को, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर आने वाले योद्धाओं की गीत गाती रहीं। वी हैड टू परस्यू हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों ने उन्हें अत्यधिक गाने के लिए रोका। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब मुझे पता चला था दैट सी डिड नॉट प्रे, क्यों प्रार्थना नहीं करती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने बताया, दैट इट वुड गो, कि वो ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थाट, लेकिन मेरी दादी सोचती थी डिफरेंटली, मैंने अलग प्रकार से। सी टोल्ड अस, उन्होंने बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, उनका अंत नज़दीक आ गया है। सी सेड दैट, उन्होंने ये कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन के अंतिम चैप्टर के कुछ घंटे बचे हुए हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो अपना कोई भी समय हमसे बातचीत करके नष्ट करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इसका विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वीड्स,
वह शांतिपूर्वक अपने बेड पर पड़ी रहीं, प्रार्थना करती रहीं और माला जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके ओठों ने मूव करना बंद कर दिया। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी निर्जीव उंगलियों से उनकी माला गिर गई। अ पीसफुल पेलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, हम जान गए दैट सी वॉज डेड, कि वह मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से नीचे उतारा। एंड एस इज कस्टमरी, और वो परंपरा के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ हर रेड श्राउड, और लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर द हर फनरल, हम उनको अकेला छोड़ दिया, फनरल मैंने अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, एक खुरदरा स्ट्रेचर लेकर, टू टेक हर टू बी क्रीमटेड, जिससे कि उनको दाह संस्कार के लिए ले जाया सके। द सन वॉज सिटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड लिट हर रूम एंड वरंडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वहाँ पर सूरज की गोल्डन लाइट जो थी वो उनके बरामदे में चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में आधे ही रास्ते पर रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा इन हर रूम, पूरे बरामदे में, उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वो मरी पड़ी हुई थी, स्टेपन डेड बॉडी रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन में ढकी हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरोज यानी गौरैया चिड़िया बिखरी हुई थी फर्श के ऊपर। देर वॉज नो चिरपिंग, वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों के प्रति बहुत दुख था। एंड माई मदर फिस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जाकर उनके लिए कुछ रोटी ले आई। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस तरीके से जैसे मेरी दादी बनाया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें खाने के लिए दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने ब्रेड की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्पस मन लाश, जब हम अपनी दादी की लाश को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्विफ्ट, अगली सुबह जो स्वीपर था उसने साफ किया। द ब्रेड क्रम्स, मैंने रोटी के टुकड़ों को इन टू द डस्टबिन, उठा के डस्टबिन में डाल दिया। तो दिस इज द राइटर्स ग्रैंड डॉटर, और किस तरह की मौत हुई राइटर ने उसका वर्णन यहाँ पे किया है। ओके, थैंक यू।